दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्पर्म काउंट की दिक्कत हो रही है, बहुत पतला पतला निकल रहा है स्पर्म, बच्चों की दिक्कत है, बांझपन है, स्पर्म काउंट नहीं बढ़ रहा, विटामिन सी की कमी है, जिंक की कमी है, पेट साफ नहीं हो रहा है, सेक्स संबंधित समस्याएं हैं, स्टेमिना नहीं बढ़ रहा है, ये सभी की एक ही जड़ी बूटी लौंग। इसके फायदे क्या हैं? खाने के तरीके अलग हैं, हर चीज का फायदा अलग, हर चीज लौंग को एक ही लौंग को 10 बार खाएं, 10 तरीके से खाएं, 10 फायदे अलग अलग। थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत करते हैं दांत से। अगर दांत में दर्द है लौंग दबा लीजिए दांत के नीचे, दर्द खत्म। दूध में मिला के लौंग को पीजिए। दूध में मिला के लौंग को अगर पीते हैं तो स्पर्म काउंट बढ़ जाता है, जो स्पर्म काउंट बच्चे न पैदा होने की जो दिक्कत आती है स्पर्म से, शुक्राणुओं की संख्या लौंग बढ़ा सकती है, ठीक है। शारीरिक क्षमता नहीं है, अगर लौंग को सुबह शाम एक एक लौंग खाइए, दांत तेरे दबा लिए कस नहीं देते रहिए, आपकी जो शारीरिक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। लौंग में होता है जिंक विटामिन सी, जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिंक और विटामिन सी मिलकर आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ा देता है। लौंग कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रखती है, प्योर हर्बल है, आयुर्वेदिक चीज़ है। अब इसको अगर आपको पेट में समस्या आ रही है, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लौंग आप एक दो ले सकते हैं, उससे पेट की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। भूख नहीं लग रही है तो अगर लौंग आप दो खा रहे हैं सुबह शाम, उससे लौंग फायदा करती है। लौंग का अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो 1% भी फायदा है 100% और नुकसान है 0%। तो लौंग के कोई भी नुकसान नहीं है दोस्तों। अब बात रही दूध में मिला के कैसे पीना है, आपको पहले एक गिलास दूध लेना, उसमें दो लौंगे मिला के उसको आपको हल्का हल्का लुकवाम करना है, उसके बाद जब डिजॉल्व हो जाए हल्का तोड़ के डालना है, हल्का कूट देना है, टूटे अलग अलग ना हो दबा देना बस, उसके बाद डाल देना, छानना नहीं है उसे, लौंग सहित पी जाना है। इसे आप 7 दिन पियेंगे, स्पर्म काउंट आपका बढ़ जाएगा, शारीरिक क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है, नुकसान कोई करता नहीं। इसे 7 दिन करने से ही आपका भरपूर मात्रा में फायदा रहता है। ये आपके किचन में मिल जाने वाली चीज़ें हैं। कोई भी और लौंग के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।